बहन ममता बहन से कहूंगा कि आत्मा को तो हम लोग जान गए, शरीर को ऊर्जा चलाने वाली है, एक परमात्मा क्या है, कौन है और वो देखने में कैसा लगता है, उसके गुण क्या है, 2-3 मिनट में कम शब्दों में अगर बता देंगे तो सबको एक परिचय मिल जाएगा कि यहाँ परमात्मा शिव कौन है और परमात्मा शिव कैसा दिखता है, वो बताएंगी ममता बहन। ओम शांति। तो अभी भाई साहब बता रहे थे कि आत्मा क्या है, एक ऊर्जा है। तो हम सभी इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य हैं, हम सभी कौन हैं? मनुष्य आत्माएं। क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, लेकिन इस पुतले को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, ये हर कोई नहीं जानता। विज्ञान ने भी कितनी तरक्की की है, मछलियों की तरह मनुष्य पानी में तैर रहा है, पंछियों की तरह आकाश में उड़ रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में खुद का परिचय और खुदा का परिचय दिया जाता है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक खुदा को भी नहीं जान सकते। तो खुदा को जानने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को जानना पड़ेगा। तो जैसे मोटर गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी को आत्मा चलाती है। और आत्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लोग निराकार भी कह देते हैं। निराकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अविनाशी शक्ति है। ये विनाशी नेत्र आत्मा को और परमात्मा को नहीं देख सकते। तो जब आत्मा प्रकाश स्वरूप है तो हम सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा कैसा होगा? आत्मा जैसा ही होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि भगवान एक है। लेकिन वो एक कौन है ये कोई भी नहीं जानता। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। मंदिरों में हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग की, लेकिन शिवलिंग क्या है ये कोई नहीं जानता। तो शिवलिंग ये ज्योति स्वरूप माने अंगुष्ठाकार सेफ में क्यों बना दिया? क्योंकि आत्मा भी ज्योति स्वरूप है और हम सभी आत्माओं का जो पिता है, परम पिता परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है, निराकार है और परम धाम का रहने वाला है। क्योंकि किसी के भी बारे में हम बात करते हैं या किसी का भी हम परिचय जानते हैं तो परिचय में पहला नाम, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और क्या रूप है, क्या कर्तव्य है। तो ऐसे ही परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और रहने वाला कहाँ का है? कौन जाने? ऊपर वाला जाने। तो परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और ऊपर की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो एक अंगुली का ही इशारा करते हैं। धर्मात्माएं अनेक हैं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा तो उसका नाम रूप है ज्योति स्वरूप और नाम है शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और कल्याण का कर्तव्य परमात्मा क्या करते हैं? जब सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान बन जाती है तो इस पतित सृष्टि को आकर के पावन बनाते हैं। तो वर्तमान समय में सारी सृष्टि कैसी बन चुकी है? पतित बन चुकी है। और पतित बनने की निशानियां, लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और सारी दुनिया की आत्माएं गंगा जी में स्नान करने जाती हैं तो इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे ऋषि मुनि भी जाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि सभी मनुष्य आत्माएं पतित तमो प्रधान बन चुकी हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला कौन है? पतित पावन सीताराम। तो वास्तव में कौन सा राम? कोई
दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं है, एक राम कहा जाता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा और एक राम जगत निर्लेपा। तो हम आत्माओं को किस राम को याद करना है? उस परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। और परमात्मा शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव है परमात्मा और शंकर जी हैं देवात्मा। शिव परम धाम के रहवासी हैं और शिव शंकर जी सूक्ष्म लोक के रहवासी हैं। शिव कल्याणकारी और शंकर जी के लिए क्या कहा, अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या होगा, सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। तो हम सभी आत्माओं को किसको याद करना है, एक परमात्मा शिव को याद करना है। कहा जाता है एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं और हम हर एक को राजी करना चाहें, क्या हम राजी कर सकते हैं? और अगर, क्योंकि हम हर एक को राजी तो नहीं कर सकते, अगर घर का मालिक राजी हो गया तो सब सब राजी हैं। तो ऐसे हम पूजा करते हैं, करते थे तो मंदिरों में जाते थे तो लगता था कोई देवता रह ना जाए, कोई मूर्ति रह ना जाए, हर एक के आगे फूल चढ़ाते थे, हर एक के आगे आरती घुमाते थे। तो अब क्या करना है, क्योंकि गीता में लिखा है, हे अर्जुन देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल मुझे याद कर। तो वास्तव में ये महावाक्य कोई शरीरधारी व्यक्ति नहीं बोल सकता, ये महावाक्य किसने बोले, निराकार परम पिता परमात्मा शिव ने। क्योंकि इस देह को भी भूलना है, पढ़ तो लिया सुना तो दिया लेकिन वास्तव में उस बात पर हम ध्यान नहीं देते। इस देह को भूलना है और देह के धर्मों को, ये इस जाति का है, पति है, पत्नी है, बेटा है। तो जैसे महाभारत में दिखा दिया कि आपस में युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, तो वास्तव में इसका रहस्य है कि हमें किसी व्यक्ति से युद्ध नहीं करना है। क्योंकि जिनका परमात्मा के साथ प्यार है, प्रीत है, वो किसी से लड़ नहीं सकते। तो वास्तव में युद्ध हमें किससे करना है, हमारा दुश्मन कौन, पांच विकार जो हमारे अंदर बुराइयां हैं। वास्तव में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि की आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सब हमारे कौन हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे अपने हैं। क्योंकि हम कह देते हैं विश्व बंधुत्व की भावना, तो वास्तव में क्या है हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना? तो विश्व बंधुत्व की भावना कब आएगी, जब हम हर एक को आत्मा देखेंगे। क्योंकि हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। ओम शांति।